अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल व करम से आप बिल्कुल हैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने PIA की टिकट बुक कर ली है तो उसके बाद आप किस तरीके से अपनी मर्ज़ी से जहाज़ की कोई भी टिकट सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अक्सर लोगों की च्वाइस होती है, कोशिश होती है कि यार सबसे आगे वाली साइड पर और विंडो सीट मिल जाए, तो वो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, बजाय उसके कि जब आपने बोर्डिंग कार्ड लेना है वहाँ से जाके करवाएं, वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आप इजीली अपने घर बैठ के इसको कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, मैक्सिमम 5 मिनट्स भी नहीं लगते। आप मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं या फिर आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। PIA की टिकट आपने खुद बुक की है या आपने किसी से भी करवाई है, आप बिल्कुल इसी तरीके का इंतहाब करके आप कर सकते हैं। तो चले मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल प्रोसीजर बताता हूँ, मुकम्मल गाइड करता हूँ कि ये आपने किस तरीके से करनी होती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे PIA की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। PIA की वेबसाइट है PIAC.com.pk। अब जब इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, इस वेबसाइट का मेन पेज आपके सामने आ जाएगा, ये वाला मेन पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा माई बुकिंग, माई बुकिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब जो आपकी टिकट है, आपकी टिकट के ऊपर ही टिकट PNR लिखा होता है, तो वो टिकट PNR जो भी है वो यहाँ पर आपने टाइप करना है। जो भी टिकट होती है उसका PNR जो है वो इशू हुआ हुआ होता है, तो वो टिकट के ऊपर ही लिखा होता है, PNR लिखना है। उसके बाद आपका जो भी सरनेम है आपने वो सरनेम लिखना है। उसके बाद आगे माई बुकिंग लिखा हुआ है, आपने माई बुकिंग के ऊपर क्लिक करना है। माई बुकिंग के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे तो आपकी जो टिकट है उसकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर देखें, ये मेरी टिकट की जो डिटेल है ये आ चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ से मैं इसके जो है वो सिलेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखें, मेरी रिटर्न टिकट है इसलिए 2 यहाँ पे शो कर रही है। अगर आपकी 1 वे होगी तो वो 1 ही साइड की यहाँ पे शो करेगी। अब यहाँ पे नीचे देखें लिखा हुआ है सीट और नीचे सिलेक्ट सीट, ये सिलेक्ट सीट के ऊपर हमने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से सीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर वज़न बढ़ाना चाहते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सीट सिलेक्शन के लिए ये पहला ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके अब यहाँ पर हम जो है वो सीट, ये पहले से मेरी एक सिलेक्ट हुई हुई थी तो मैं इसको दोबारा से आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे ये जहाज़ की पूरी शक्ल आपके सामने आ चुकी है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से जो भी सीट सेलेक्ट करना चाहते हैं आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करनी है। यहाँ पे इस साइड पे आप देखें येलो वाली का रेट क्या है, 1200। ये जो रेड वाली है उनका रेट है 5000 तकरीबन। तो यहाँ पर आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये वाली विंडो सीट चाहिए, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। एक बार इसको सिलेक्ट करूँगा, एक साइड की फ़्लाइट के लिए ये सिलेक्ट हो जाएगी, दोबारा करूँगा तो दूसरी साइड के लिए भी ये सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आ जाना है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू के ऊपर हमने क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद वो कह रहे हैं आप इसकी पेमेंट करें। अब आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं किसी भी वीज़ा या मास्टर कार्ड की मदद से। आप यहाँ पे उसकी डिटेल देंगे, डिटेल दे के टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगी कितनी आपने पे करनी है। बाय टिकट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप जो है वो ये बुक कर सकते हैं, यानी कि आप सीट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।